जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं इंडियन आर्मी में वोमेन जीटी शोल्डर, यानी कि इंडियन आर्मी है उसमें महिलाओं के लिए वैकेंसी निकली है जिनमें महिलाएं अपना फार्म भरकर इंडियन आर्मी में जा सकती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये हम sarkarresult.com से इस भर्ती को देख रहे हैं, आप भी यहाँ जा कर के इसको देख सकते हो और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या चाहिए, कितनी वैकेंसी हैं, पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका नाम है, जो इसका नाम दिया है इंडियन आर्मी वोमेन जीडी सोल्जर ऑनलाइन फॉर्म 2020। ठीक है दोस्तों, तो ये महिलाओं के लिए है। जॉइन इंडियन आर्मी भारतीय सेना जनरल ड्यूटी सोल्जर वोमेन रिक्वायरमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं फार्म डेट, यानी फार्म जो भरे जा रहे हैं कब से भरे जा रहे हैं। इसकी जो डेट है 27/7 यानी 27 जुलाई 2020 से फार्म स्टार्ट हुए हैं और 31/8 2020 यानी कि 31 अगस्त 2020 तक ये फार्म भरे जाएंगे। दोस्तों, ये पूरा महीना अगस्त का है जिस फार्म का आप भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ीस, इस फार्म को भरने के लिए कितनी फ़ीस चाहिए। तो इस फार्म को भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ फ्री, कोई फीस नहीं है इसमें भरने के लिए। अब करते हैं वैकेंसी डिटेल, कितनी वैकेंसी है इसमें। तो इसमें टोटल वैकेंसी 99 वैकेंसी दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट का नाम, वैकेंसी और इसे भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों, पोस्ट सबसे पहले बात करें पोस्ट का नाम, इसमें वोमेन जीडी सोल्जर इन मिलिट्री पुलिस, इसमें सिर्फ महिला ही इसको फॉर्म को भर सकती हैं जिसमें 99 पोस्ट दी हैं। अब बात करते हैं उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसमें हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से किया हो, हाई स्कूल पास होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज 45% इसमें होनी चाहिए और एज लिमिट जो इसमें एज दी है, एज आपकी 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। और अब बात करते हैं एज, जो आपकी एज है आप कितने साल के बीच होना चाहिए। तो हम आपको सीधा सीधा बता दें, जिनका जन्म 99 में हुआ है, जन्म 10/1/1999 और 1/4/2003 के मध्य वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका जन्म 1999 हुआ हो और जो 2003 तक के हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या फिजिकल है। तो सबसे पहले इसमें आपकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाएगी। रनिंग आपकी 1600 मीटर, समय दिया है 7:30। लॉन्ग जंप 10 फिट और हाई जंप 3 फिट। तो ये है आपका फिजिकल। अब बात करते हैं फार्म कहाँ से भरें। तो फार्म भरने के लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इस फार्म को भर सकते हो। इस फार्म को आप खुद भी भर सकते हो या कंप्यूटर वाले से भरा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारे वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।